हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ब्रिज एंड टनल में, टनल के बारे में, जिसमें हम आज बात करेंगे वेंटिलेशन, ड्रेनेज सिस्टम और लाइटनिंग की। कैसे क्या वेंटिलेशन देते हैं, वेंटिलेशन के लिए क्या चीज़ प्रोवाइड करते हैं जब हम टनल बनाते हैं। चूँकि टनल क्या होता है, हमारा पैक्ड एक होता है, एक क्या होता है, पैक्ड वे होता है, रास्ता होता है, मतलब केवल दो तरफ से खुला होता है, एक तरफ से इन करने के लिए, दूसरी तरफ से आउट होने के लिए। ठीक, दो तरफ से रास्ता खुला होता है, तो उसमें वेंटिलेशन, जैसे लंबी टनल है तो उसमें वेंटिलेशन, बीच में भी तो हमको वेंटिलेशन प्रोवाइड करने की जरूरत है। और बाई चांस मान लेते हैं उसमें पानी आ गया, अगर तो पानी को कैसे हम बाहर करेंगे, कैसे ड्रेन आउट करेंगे। और जब टनल रहेगा पैक्ड है चूंकि, तो उसमें क्या होगी, लाइटिंग की भी हमको व्यवस्था देनी पड़ेगी, चूंकि क्या होगा कि अंधेरा रहेगा, रात में एकदम अंधेरा रहेगा, तो हमको वहाँ पर लाइटिंग की जरूरत पड़ेगी और दिन में भी लाइटिंग की जरूरत वहाँ पर पड़ती है। तो इन सब के बारे में कैसे हम क्या चीज़ करते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहले बात कर रहे थे चैप्टर हमारा जो है, इसमें तीन चैप्टर कॉमन है। ठीक है, जैसे ड्रेनेज है और क्या कहते हैं वेंटिलेशन है और लाइटनिंग, तीनों अलग चैप्टर, एक एक चैप्टर दिया गया, तो आज हम तीनों चैप्टर को एक ही लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, ड्रेनेज, वेंटिलेशन एंड लाइटनिंग इन टनल या फिर ऑफ टनल बोल सकते हैं। ठीक है, आज हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, एक मिनट आपको रुकेंगे। अब ठीक है, तो ये हमारा आज का चैप्टर। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रेनेज सिस्टम की, बात करते हैं कि कैसे पानी अगर उसमें आ गया तो ड्रेन आउट कैसे करेंगे, या फिर काम करते टाइम क्या होता है, जैसे क्या होगा, हम टनल का निर्माण कर रहे हैं उस टाइम, उसमें क्या होगा, जैसे जो मलबा होगा, जो उसमें वेस्ट मैटर, जैसे हम तोड़ के बनाते हैं, क्या जो बनाते हैं हम टनल, वो हम तोड़ के बनाते हैं, तो मलबा क्या होता है उसमें गिरता रहता है, तो उसको जब हम बाहर करेंगे, साफ सफाई करेंगे, तो उसमें पानी की जरूरत, हमको पानी के द्वारा क्या करेंगे, उसको साफ करेंगे, तो उसमें जो पानी इकट्ठा हो जा रहा है उसको कैसे ड्रेन आउट करते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ड्रेनेज ऑफ टनल की बात करते हैं, क्या होता है कि सुरंग में घुसे पानी को तथा रिसन या टपकने से सुरंग में आए पानी को बाहर निकालना, क्या सुरंग बाहर निकाल, जो पानी है उसमें उसको बाहर निकालना, सुरंग जल निकासी। ठीक है, मतलब कि ड्रेनेज टनल कहलाता है। ठीक है, ड्रेनेज ऑफ टनल कहलाता है, क्या कर, ड्रेनेज ऑफ टनल, पहले हेडिंग क्या हो जाएगी यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं ड्रेनेज ऑफ टनल, मतलब कि सुरंग से जल निकासी, सुरंग से जल निकासी, ये हमारे पहले हेडिंग है। तो सुरंग से जल निकासी हमने क्या बताया आपको कि सुरंग में घुसे पानी का रिसन अथवा टपकने के कारण, जैसे सुरंग में, मतलब कि सुरंग में जो पानी होता है, जैसे हम सुरंग का निर्माण कर रहे हैं उस टाइम, या फिर सुरंग हमारा निर्माण हो चुका है उस टाइम, रिसन के कारण बारिश हो रही, तो ऊपर से कट के बनाया गया, क्योंकि अगर कहीं पे कोई होल रहेगा, उस होल के कारण टपकता है पानी, रिसन के कारण आता है। ठीक है, तो वो जो पानी उसमें आ रहा है उसको कैसे हम ड्रेन आउट करते हैं, जो ड्रेन आउट की प्रक्रिया हम करते हैं वही हमारा क्या, ड्रेनेज ऑफ टनल कहलाता है, सुरंग से जल निकासी कहलाता है। ठीक है, सुरंग में जल जो होता है वो दो स्रोतों से आता है। ठीक है, किन किन स्रोतों से आता है, सबसे पहला जो होता है हमारा वॉश वाटर, और सेकंड जो हमारा आता है वो क्या आता है, ग्राउंड और सब सॉइल वाटर। ठीक है, वॉश वाटर मतलब कि धुलाई का पानी। ठीक है, क्या धुलाई का पानी और सब ग्राउंड या फिर सब सॉइल वाटर मतलब कि अवमृदा जल, जो हमारे सब सॉइल से, जो सॉइल हमारी होती है जिसपे क्या होता है हमारा ये बना होता है टनल, उससे जो सॉइल रिसन करके ऊपर आ रहा है। ठीक है, क्या रिसन करके ऊपर जो आ रहा है वो
एक तो वहाँ से वाटर आ सकता है, दूसरा जब उसको हम बना रहे हैं टनल का निर्माण कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उस टाइम जो सफाई हम करते हैं सफाई कर जिसमें पानी रुक जाता है वो हमारा क्या वॉश वाटर कहलाते हैं। ये दो तरह से क्या होते हैं टनल में पानी आ सकते हैं, यही दो रीज़न होता है कि टनल में पानी आता है। अब इनको हमको ड्रेन आउट कैसे करना है, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पानी को बंद रखने से हटाने के लिए जल निकासी व्यवस्था को मोटे तौर पर, ठीक है, तीन प्रणालियों में वर्गीकृत कर सकते हैं। कौन कौन सी प्रणाली है उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली प्रणाली क्या हो जाएगी, निर्माण कार्य शुरू करने से पहले सुरंग में प्रवेश करने से पहले अतिरिक्त जल निकासी या जल के प्रवेश को रोकना। जैसे क्या होता है सुरंग जब हम क्या करें हम लिख देते हैं पहले यहाँ पे, ठीक, फिर आपको समझाते हैं। ड्रेनेज सिस्टम क्या ऐड हो जाएगी, ड्रेनेज सिस्टम मतलब कि जल निकासी प्रणाली। कुछ लोग कमेंट करते हैं सर हिंदी में पढ़ाई कीजिए, अब और कितना हिंदी में पढ़ाए भाई, आप ही बताइए। बोल तो सब कुछ हिंदी में रहे हैं, अंग्रेजी तो बोल नहीं रहे हैं, यहाँ अंग्रेज तो है नहीं कोई। जल निकासी प्रणाली, ठीक है, तो सब कुछ हिंदी में ही, इंग्लिश में आपको हिंदी इंग्लिश जिस भी लैंग्वेज से आप जिस भी बोर्ड से हैं आप पढ़ सकते हैं, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहला क्या जल निकास प्रणाली, तो इसकी तीन प्रणालियाँ दी गई है, कौन कौन सी बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं कि निर्माण कार्य शुरू करने से पहले सुरंग में प्रवेश करने से पहले, ठीक है, क्या जो निर्माण कार्य शुरू कर रहे हैं उसमें जो वाटर जा रहा है, ठीक है, वाटर को जाने से रोकना सबसे पहला सिस्टम हो जाता है। सेकेंड का सुरंग का निर्माण और पंपिंग यानी सुरंग के निर्माण के दौरान सुरंग में से, ठीक है, सुरंग के निर्माण के दौरान सुरंग में पानी को जाने से रोकना, ठीक है, ये दूसरा हो गया, या फिर जो पानी उसमें सफाई हो रही है उसके लिए पंपिंग की व्यवस्था करना, निकालने की व्यवस्था रखना। सेकंड का स्थायी ड्रेन यानी कि सुरंग के पूरा होने के बाद उसमें ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण करना कि उसमें से पानी जैसे निर्माण कार्य खत्म हो गया अब गाड़ियाँ उसमें चल रही हैं तो उस टाइम अगर उसमें पानी आ गया तो उसको निकालने की व्यवस्था करना। तीन सिस्टम होते हैं, ठीक है, तीन सिस्टम हमारे पास है, तीनों की बात कर लेते हैं। सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला क्या आता है, निर्माण कार्य शुरू करने से पहले जल को रोकना, ये पहला सिस्टम हो गया। सेकंड सिस्टम क्या हमने आपको बताया कि सुरंग का निर्माण और पंपिंग, ठीक है, सुरंग का निर्माण और पंपिंग यानी क्या हो सकता है कि सुरंग के निर्माण के दौरान सुरंग में प्रवेश करने वाले पानी को निकालना, सुरंग के निर्माण के दौरान सुरंग में प्रवेश करने वाले पानी को निकालना, ये सेकंड सिस्टम होगा, निकालना, ठीक है। अब क्या आपको विजिबल हो रहा होगा, ठीक है, इस मार्कर का थोड़ा सा स्याही कम होगा, भी स्याही डाल देते हैं पहले सिस्टम का। थर्ड क्या हो गया, स्थायी ड्रेनेज मतलब कि परमानेंट यानी निर्माण के बाद, ठीक है, सुरंग के निर्माण के बाद पानी बंद करना, ठीक। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम क्या करते हैं इसमें इंक डाल देते हैं, ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम इंक डाल देते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए,
कि आज आपका लास्ट चैप्टर है, मतलब कि आरबीटी का जो आपका आरबीटी सब्जेक्ट है इसका ये लास्ट लेक्चर लास्ट चैप्टर है, ठीक है। इसी में क्या होगा, आपका पूरा ये चैप्टर कवर हो जाएगा, ये सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। उस हिसाब से अगर देखते हैं आपके जो सेमेस्टर के हैं वो टोटली दो सब्जेक्ट आप सभी के पूर्णतः कवर हो जाएंगे। तीसरा सब्जेक्ट आपका सर्वेइंग चल रहा है, उसको कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आप सभी को थियोडोलाइट के बारे में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अगर आप इसकी कंप्लीट पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आपका आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर नीचे दिख रहा होगा, आप वहाँ से हमको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पेज पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं, अगर आप इंस्टाग्राम पेज पे हैं तो आप कहीं भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो आपकी जितनी जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसको सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर नोट्स भी आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, इंक को हमने भर लिया है, ठीक है। तो ये रहा क्या ड्रेनेज सिस्टम, ये क्या हुई ड्रेनेज सिस्टम की बात हुई। तीन तरह का हमारा ड्रेनेज सिस्टम होता है। सबसे पहले क्या करते हैं हम, जब निर्माण कार्य चलता है उस टाइम उसमें पानी को जाने से रोकते हैं, या फिर अगर बाई चांस चला भी गया तो उसको निकालना, पंपिंग के थ्रू उसको निकालना। और थर्ड कि स्थायी ड्रेनेज बनाना, कि जब निर्माण कार्य खत्म हो गया उस टाइम उस दौरान निर्माण कार्य खत्म होने के दौरान के बाद पानी बंद करना। ये तीन हमारे पास क्या ड्रेनेज सिस्टम होते हैं। अब हम बात करते हैं डीवाटरिंग क्या होता है, ठीक है। डीवाटरिंग क्या होता है अब इसकी बात करते हैं। डीवाटरिंग भी एक ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट आ जाता है, ठीक है। डीवाटरिंग आपने पढ़ा होगा, जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हम पढ़ाए थे तो वहाँ पर भी डीवाटरिंग आपको पढ़ाया गया था, आपके आयुष सर ने पढ़ाया था, वहाँ पर भी आपको क्या डीवाटरिंग के बारे में पढ़ाया गया था अच्छे से, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सुरंग से पानी निकालने की सबसे आसान विधि होती है कि दोनों साइडों से खुली नाली या फिर खाई का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। ये बहुत ही आसान होता है कि दोनों साइड, जैसे क्या हो हमारा सुरंग ये बना हुआ, ये एक सुरंग बना हुआ मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक नाली बना देंगे, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या हमारा कैम्बर होगा, कैम्बर से पानी इसमें जाएगा और इधर वाला पानी इसमें चला जाएगा। तो ये जब पानी ऐसे इधर नाली बना देंगे, ये नाली से होते हुए चला जाएगा बाहर, इस तरह से कर सकते हैं। या फिर खाई बना देते हैं, कहीं कहीं क्या करते हैं साइड में स्पेस दे करके क्या करते हैं, वहाँ पे खाई बना देते हैं। पानी क्या होता है उसी खाई में जाके गिर जाता है, उसी तरफ क्या हम स्लोप देते हैं और उस स्लोप के कारण क्या होता है उसी में पानी जाके गिर जाता है और वो खाई उसको सोख लेती है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है डीवाटरिंग होता है, ठीक है। इस प्रणाली में क्या होता है कुछ थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है। क्या नुकसान होता है, जैसे क्या होता है कि सुरंग के अंदर कचरा या फिर मलबा पानी के प्रवाह को अवरुद्ध कर देते हैं, ठीक है। तो सुरंग के अंदर अनावश्यक खाई और पुल बनाने पड़ते हैं हमको, फिर सभी ग्रेडों पर पानी की निकासी संभव नहीं होती है। ये सब क्या होता है इसके डीवाटरिंग के कुछ नुकसान होते हैं, ठीक है। अब अगर पंपिंग की बात करते हैं तो पंपिंग क्या होता है, या जल यदि क्या होता है कि जल निकासी की अस्थायी व्यवस्था है तो जल की मात्रा जो होती है जो संचित होती है उसे नालों के कुओं में इकट्ठा किया जाता है और सुरंग से बाहर निकाला जाता है। जैसे क्या हुआ, हमने अभी आपको बताया कि अगर कोई खाई खोद देते हैं, खाई में क्या होता है पानी हमारा इकट्ठा हो गया, अब उस खाई वो खाई में क्या होगा हमारी कुछ टाइम बाद भर जाएगी। अगर वो खाई हमारी क्या है कि मतलब कि लाइंड खाई, मतलब कि क्या उसमें कंक्रीटिंग या फिर मैसनरी की गई है, मैसनरी वर्क किया गया, तो क्या होगा एक टाइम के बाद भर जाएगी। उस पानी को भी हमको क्या करना, बाहर ड्रेन करना पड़ेगा। उस पानी को बाहर ड्रेन करने के लिए क्या करते हैं, पंपिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं, पंप लगाते हैं, उस पंप के थ्रू क्या करते हैं उसको बाहर कर देते हैं। ये हमारा क्या पंपिंग कहलाता है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं पंपिंग बोल देते हैं, ठीक है। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो परमानेंट ड्रेनेज क्या होता है, परमानेंट ड्रेनेज की बात करते हैं, ये तो हमारा बोल सकते हैं एक तरह से, ठीक है,
डीवाटरिंग हो गया, ठीक है। अगर परमानेंट ड्रेनेज क्या होता है, परमानेंट ड्रेनेज सभी प्रकार के पूर्ण रूप से क्या बनी हुई सुरंग खंड में स्थायी जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए, कि मतलब कि परमानेंटली उसमें क्या होता है, वाटर उसमें से निकलता रहे, ऐसी व्यवस्था उसमें होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह क्या हम परमानेंट ड्रेनेज बोल देते हैं जल निकासी की। एक बहुत ही सरल विधि जल निकासी खाई का निर्माण करना, जो लंबे समय तक पोर्टल्स या सॉफ्ट की ओर ढलान रखा जाता है, जहाँ से उन्हें उपयुक्त पंपों द्वारा सुरंग से बाहर निकाल लिया जाता है। तो वही परमानेंट क्या किया, हमने खाई बना लिया, खाई बनाने के बाद उस खाई में क्या करेंगे, पंप लगा देंगे, पानी को क्या करेंगे हम उस जो जितना भी ग्रेडियंट देके क्या करेंगे उस खाई से क्या करेंगे, जैसे क्या हुआ खाई को हम थोड़ा ढलान पर बनाएंगे और ये हमारा कुछ बना हुआ है, ठीक है, यहाँ से सारा पानी क्या होगा इस खाई में आएगा, इस पानी जो सारा पानी इस खाई में, और यहाँ से पंपिंग के थ्रू इसको भी क्या करते हैं हम बाहर ड्रेन आउट करते थे। तो ये क्या हमारा पंपिंग परमानेंट एक तरह से होता कि हम पानी हमेशा इसमें आके इकट्ठा होगा और पंपिंग के थ्रू पंप चालू कर देंगे, ये हमारा बाहर ड्रेन आउट कर देगा। तो ये भी एक तरह का बहुत मतलब आसान तरीका हो जाता है कि परमानेंट ड्रेनेज के लिए बहुत ही आसान तरीका ये हमारा कहलाता है, ठीक है। और अगर प्रदान की जाने वाली स्थायी जल निकासी, ठीक है, कुछ कारक होते हैं उन पर निर्भर करता है, जो हमारे स्थायी जल निकासी जो परमानेंट हमारे ड्रेनेज सिस्टम वो कुछ कारकों पर निर्भर करती है। कौन कौन से कारक हैं वो उनकी अगर बात करते हैं तो वो कौन कौन से कारक, ठीक है। सबसे पहला क्या होता है मिट्टी के प्रकार, ठीक है, मिट्टी किस प्रकार की है, अगर मिट्टी क्या है मिट्टी हार्ड मिट्टी है तो वहाँ पे परमानेंट ड्रेनेज हमारे लिए थोड़ा सा नुकसान कर सकता है। परमानेंट बनाएंगे तो पानी क्या होगा उसमें जाके खाई में इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ कारक होते हैं जो उसको प्रभावित करते हैं, कौन कौन से कारक हैं वो, जैसे मिट्टी के प्रकार, सबसे पहला कारक, कारक लिख के हम लिख देते हैं, ठीक है, मिट्टी के प्रकार, मिट्टी के प्रकार। सेकेंड पॉइंट की अगर बात करते हैं तो वो क्या होता है, जल निकासी में शामिल पानी की गुणवत्ता, जल निकासी में शामिल पानी की गुणवत्ता, ठीक। इसी तरह अगर थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, इसमें सुरंग की प्रकृति, सुरंग किस प्रकृति का बना हुआ, कैसा सुरंग है वो, ठीक है, सुरंग की प्रकृति, सुरंग की प्रकृति। और अगर फोर्थ पॉइंट की इसमें बात करते हैं तो प्रयुक्त लाइनिंग की परत, ठीक, क्या प्रयुक्त लाइनिंग की परत, प्रयुक्त लाइनिंग की कि किस तरह से इसमें कितने परत में लाइनिंग की गई है, ठीक है। हम क्या कहते हैं लाइनिंग, मतलब क्या होता है कि उसको कंक्रीटिंग कर देना एक तरह से, जैसे आपने पढ़ा होगा लाइंड कैनाल और अनलाइंड कैनाल। अनलाइंड कैनाल कैसा होता है कि जिस पे कंक्रीटिंग नहीं की रहती है वो अर्दन कैनाल कहलाती है, मिट्टी कैनाल बनी है तो वो हमारा अनलाइंड कैनाल कहलाता है। और अगर उसको क्या उसके साइड्स को उसके फर्श को क्या किया हमने कंक्रीटिंग कर दी, मैसोनरी वर्क कर दिया तो वो हमारा लाइन कैनाल कहलाता है। तो वही कह रहा है कि प्रयुक्त लाइनिंग की परत, ठीक है, कितने परतों में वो लाइनिंग वहाँ पर की गई है वो भी क्या करता है हमारे इस पर भी क्या करता है ड्रेनेज सिस्टम जो हमारा है वो निर्भर करता है। अब अगर बात करते हैं ये ड्रेनेज सिस्टम की बात है, अब हम बात करते हैं किसी वेंटिलेशन। अब ड्रेन तो हमने पानी कर दिया, वहाँ पे हमको वेंटिलेशन प्रदान करना है, वेंटिलेशन देना है कि अब अंदर हम चल रहे हैं हमको एयर की जरूरत पड़ेगी, हमको हवा की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वहाँ पे वेंटिलेशन कैसे करेंगे, उसमें क्या होगा हम गैस इकट्ठे हो जाते हैं, जब लंबी हमारी रहेगी तो उसमें गाड़ियाँ चलेंगी, गाड़ियों से निकलने वाले धुओं से वहाँ पे जो क्या होती है हमारी विषैली गैसें होती है जो गाड़ियों से निकलती है वो इकट्ठा हो जाएंगे। उसके लिए वेंटिलेशन की हमको जरूरत पड़ेगी कि शुद्ध हवा आती रहे और जो गैसें हैं वो गैसें निकलती रहे। तो वो वेंटिलेशन कैसे हम प्रदान करते हैं, क्या क्या वहाँ पे क्या क्या अरेंजमेंट करते हैं उसकी बात करते हैं। हम बात करते हैं किसकी, वेंटिलेशन की। वेंटिलेशन इन टनल, सुरंग में संवातन, क्या सुरंग में संवातन, ये हेडिंग हो जाती है। तो इसमें क्या सुरंग में निर्माण के दौरान दिए जाने वाला संवातन अस्थायी संवातन कहते हैं, मतलब कि जब उसमें निर्माण करते हैं उस टाइम जो गैसें निकलती हैं उसको को तो हम क्या परमानेंट नहीं कह सकते, वो टेम्पररी एक तरह से हमारा क्या वेंटिलेशन
कराता है कि उस टाइम उसमें बस निर्माण के समय निकलती रहे गैसें, वहाँ पे किसी भी वर्कर्स को कोई किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो, तो हमारा क्या वो टेम्प्ररी नहीं था, वो परमानेंट नहीं, वो हमारा टेम्प्ररी वेंटिलेशन कराता है, जिससे क्या हम वहाँ से एयर को विषैली गैसों को निकालते हैं। ठीक है, तथा सुरंग निर्माण के बाद दिए जाने वाले जो संवातन होते हैं, जो सुरंग निर्माण के बाद वेंटिलेशन की वहाँ पे व्यवस्था की जाती है, उसको क्या हम परमानेंट, उसको हम परमानेंट वेंटिलेशन के नाम से जानते हैं, जिसको हम स्थायी संवातन कहते हैं। सुरंग में संचालित होने वाले विभिन्न कार्यों के दौरान दूषित गैसें भी निकलती रहती हैं, वही हमने आपको बताया, जिन्हें सुरंग से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है, अन्यथा इन दूषित गैसों से श्रमिकों तथा यातायात करने वालों यात्रियों को असुविधा उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, ये क्या वेंटिलेशन क्यों दिया जाता है और कौन कौन से होते हैं, ठीक है, अब क्या क्या उद्देश्य हैं, ठीक है, वेंटिलेशन के क्या क्या उद्देश्य हैं, क्यों हम वेंटिलेशन प्रदान करते हैं। ठीक है, बात करते हैं किसके, ऑब्जेक्ट्स ऑफ वेंटिलेशन, संवातन के उद्देश्य, इस प्रकार फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा इसमें, सुरंग में कार्य करने वाले श्रमिकों को स्वच्छ वायु प्रदान करना, सुरंग में कार्य करने वाले श्रमिकों को स्वच्छ वायु प्रदान करना। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, ये तो क्या स्वच्छ वायु प्रदान करेंगे, नेक्स्ट क्या बात करते हैं, ड्रिलिंग विस्फोटन तथा मकिंग के दौरान उसमें निकलने वाली धूल कोटा, अगर हम ड्रिलिंग करते हैं, ड्रिलिंग मतलब छिद्रण, ड्रिलिंग करेंगे विस्फोटन, ठीक है, विस्फोटन मतलब ब्लास्टिंग, विस्फोटन और क्या करते हैं, मकिंग के दौरान निकलने वाले गैसों को बाहर निकालना। ठीक, अगर इसी में थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, तो थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा कि विस्फोटन के दौरान निकलने वाले हजारों लीटर हानिकारक गैसों के बाहर निकालना, जब विस्फोट करेंगे तो विस्फोटक पदार्थों से भी क्या होता है हमारा कि उसमें से जो गैसें निकलती है, विषैली गैसें निकलती है, तो उनको बाहर करने की हमको जरूरत पड़ती है, तो जो वहाँ पे श्रमिक होंगे उनको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो विस्फोटन के दौरान निकलने वाली विषैली गैसों को बाहर निकालना। इसी में अगर फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा कि गहरी सुरंग में उचित तापमान बनाए रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या गहरी सुरंगों में उचित तापमान बनाए रखना। क्या होता है कि कभी कभी बहुत गहराई तक क्या करते हैं हम सुरंग बनाते, बहुत जो सरफेस होता है, सरफेस से बहुत गहराई पे क्या करते हैं हम सुरंग बनाते हैं, तो वहाँ पे तापमान बहुत इफेक्ट पड़ता है, उस टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं सुरंग का, मतलब सुरंग में प्रॉपर वेंटिलेशन प्रोवाइड करने की जरूरत हमको पड़ती है। वेंटिलेशन प्रोवाइड करने के क्या करते हैं हम उसमें साफ बनाते हैं, जैसे क्या क्या, कोई भी हम टनल अगर बना रहे हैं, ठीक, इसको आप नोट कर सकते हैं, फिर शॉर्ट ले सकते हैं। ठीक है, जब भी हम कोई भी सुरंग बनाते हैं ना, तो उसमें साफ्ट प्रोवाइड करते हैं, कैसे प्रोवाइड करते हैं उसकी बात अगर हम करते हैं,
जैसे क्या होता है, अगर कुछ मान लेते हमारा क्या कहते हैं कि सुरंग बना हुआ, तो सुरंग में क्या करते हैं हम ऐसे सॉफ्ट, जैसे क्या हो अगर कोई पहाड़ है, जैसे क्या हो ये कुछ पहाड़ है और इस पहाड़ को काट के यहाँ से ये सुरंग जा रही है, ठीक है, तो इस सुरंग को क्या करेंगे ऐसे हम सॉफ्ट के द्वारा क्या करते हैं, ऐसे जोड़ देते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, होल रहता है, ये होल रहता है, यहाँ पे कुछ नहीं रहता, ठीक। तो क्या होता है, इसी को क्या हम बोल देते हैं, सॉफ्ट बोल देते हैं, क्या ठीक। तो इसके द्वारा क्या हमारा वेंटिलेशन का कार्य होता है और टेम्परेचर इससे भी बना रहता है, ठीक। तो ये हमारा क्या वेंटिलेशन का काम होगा, कि वेंटिलेशन कैसे करते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ टनल वेंटिलेशन की अगर बात करते हैं, कि जो सुरंग संवातन की आवश्यकता हमको क्यों पड़ती है, ठीक है, कार्यस्थल से दूर, वही सारी चीज़ें हैं कि धूल को बाहर निकालने की जरूरत हमको होती है, इसलिए क्या करते हैं हम वहाँ पे वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं। फिर रंग निर्माण के समय कितने निकलने वाले धूल की आवश्यकता, मतलब पूर्ण के धूल और विषैली गैसों को बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं, आवश्यकता इसलिए हमको वेंटिलेशन की पड़ती है कोई भी टनल का निर्माण जब हम करते हैं तो, ठीक है। अब सुरंग में स्वच्छ वायु की मात्रा, ठीक है, जो मुख्यतः सुरंग में संवातन का निर्धारण करते समय कुछ बातें ध्यान रखती हैं, वो ध्यान रखनी चाहिए, वो कौन कौन सी बात है, कि सुरंग की माप व लंबाई, कि सुरंग कितनी लंबाई का है और कितनी डायमीटर का, इसका भी ध्यान हमको देना पड़ता है जब हम सुरंग बनाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा लंबाई का तो उसमें वेंटिलेशन हमको प्रोवाइड करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर लंबाई का नहीं है तो हमको वेंटिलेशन ना ही प्रोवाइड करेंगे तो भी चल जाएगा, या फिर वहाँ पे लाइटनिंग की व्यवस्था ना करेंगे, मतलब लाइटनिंग की व्यवस्था हमको करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ड्रेनेज कभी कभी हमको ड्रेनेज भी प्रोवाइड करना, लेकिन वेंटिलेशन की जरूरत कभी भी हमको नहीं पड़ती, वहाँ पर टेम्परेचर की जरूरत हमको सही करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये कुछ बातें होती, जैसे क्या होता है कि सुरंग की माप और लंबाई बात कर लेते हैं, इसके लिख लेते हैं, आपके साफ आपको समझ में आया होगा क्या होता है। सुरंग में हेडिंग बना लीजिए, सुरंग में संवातन का निर्धारण करते समय ध्यान देने योग्य योग्य बातें, ठीक है, ये हेडिंग बना लीजिए, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा, सबसे पहला सुरंग की माप और लंबाई, सुरंग की माप व लंबाई। सेकंड पॉइंट की अगर बात करते हैं, कि विस्फोट वाहनों द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड, विस्फोटक तथा वाहन द्वारा उत्पन्न CO2। थर्ड पॉइंट की अगर इसमें बात करते हैं, तो जाएगा सुरंग के भीतर का तापमान, वह आर्द्रता। फोर्थ पॉइंट की अगर इसी में बात कर लेते हैं, तो कि विस्फोटक कार्य की आवृत्ति व विस्फोटक की मात्रा, विस्फोटक कार्य की आवृत्ति या विस्फोटकों की मात्रा, मतलब कितना विस्फोटक उसमें यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा विस्फोटक यूज करेंगे तो हमको वेंटिलेशन की अधिक आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। अगर इसी में फोर्थ पॉइंट की फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, तो मनुष्य पशु प्रकाश तक कुछ चट्टानों द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा, ठीक है, मनुष्य द्वारा कुछ ऊष्मा, मनुष्य पशु चट्टानों द्वारा छोड़ी गई
कुछ ऊष्मा, टेम्परेचर को ध्यान देने के लिए ये हमको ध्यान देना पड़ता है कि कितना तापमान जो मनुष्य द्वारा पशु द्वारा उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गई कौन कौन सी बात हमको ध्यान देनी चाहिए जब हम क्या करते हैं वेंटिलेशन का कार्य करते हैं तो। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं वेंटिलेशन कैसे करते हैं, किन किन प्रोसेस के द्वारा करते हैं, मतलब कि कौन कौन से मेथड होते हैं वेंटिलेशन के, संवातन के कौन कौन से मेथड होते हैं, अगर उनकी बात करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब क्या आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। ठीक है, मेथड्स ऑफ वेंटिलेशन, संवातन की विधि, कौन कौन सी विधियां हैं संवातन की, दो विधि होती है, एक नेचुरल वेंटिलेशन होता है, दूसरा मैकेनिकल वेंटिलेशन, एक नेचुरल वेंटिलेशन जिसको हम प्राकृतिक संवातन बोलते हैं, दूसरा मैकेनिकल वेंटिलेशन, क्या मैकेनिकल वेंटिलेशन जिसको हम यांत्रिक संवातन बोलते हैं। ये दो प्रकार की विधियां होती है जिनके द्वारा क्या करते हैं हम संवातन का कार्य करते हैं। नेचुरल संवातन क्या होता है कि सुरंग के अंदर तथा बाहर के तापमान में अंतर के कारण, ठीक है, प्राकृतिक संवातन प्राप्त किया जाता है। इसके निर्माण के दौरान एक सुरंग के संरेखण के साथ साथ उपयुक्त अंतराल पर शाफ्ट प्रदान की जाती है, जैसे हमने आपको बताया कि शाफ्ट कैसे प्रदान की जाती है, तो हमारे नेचुरल संवातन हो जाता है। या क्या, या जो विधि होती है वो कुछ स्थितियों में प्रभावित है, जैसे कि सीधी लंबाई में बनी समान ढाल वाली 100 मीटर लंबी सुरंग के निर्माण में जब एक बहाव पोर्टल से पोर्टल तक संचालित होता है तो, या बड़े ऑपरेशन के दौरान प्राकृतिक संवातन प्रदान करता है। ठीक है, जब सुरंग क्या होता है उन्मुखीकरण, मतलब कि ओरिएंटेशन हवा की दिशा के साथ होता है, जैसे हवा जिस तरफ बहती है, जैसे हवा क्या करते हैं कभी कभी पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है और पश्चिम से पूरब, जिस तरफ से देखते हैं जहाँ पे हम बना रहे हैं वेंटिलेशन दे रहे हैं वहाँ पे हवा किस दिशा से किस दिशा तक अधिकतर चलती है पूरे साल भर, तो अगर उसकी दिशा के अनुरूप बना रहे हैं तो क्या होगा, तो वहाँ प्रॉपर नेचुरली वेंटिलेशन हो जाएगा, क्योंकि हवा की वजह से क्या होगा उसमें से जो गैसें हैं वो बाहर ऑटोमेटिक चली जाएंगी। ठीक है, ये क्या होता है, ये नेचुरल वेंटिलेशन कहलाता है। ठीक है, नेचुरल वेंटिलेशन हो सकता है जब सुरंग छोटी होती है तब इसका व्यास क्या होता है बड़ा होता है, जब सुरंग छोटी हुई तो प्राकृतिक वेंटिलेशन से क्या होगा उसका प्रॉपर वेंटिलेशन हो जाएगा, वहाँ पे हमको मैकेनिकल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, लंबी सुरंग के लिए प्राकृतिक संवातन जो होता है वो अपर्याप्त होता है, नेचुरल जो संवातन होता है नेचुरल जो वेंटिलेशन होता है ये अगर हम बना रहे बहुत लंबी सुरंग बना रहे तो उसके लिए ये सही नहीं होता है, ये ठीक नहीं, तो वहाँ पे हमको बीच बीच में मैकेनिकल वेंटिलेशन जिसको हम बोल रहे हैं बीच बीच में भी हमको शाफ्ट और भी कई अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं मैकेनिकल वेंटिलेशन में, जब कोई भी मतलब कि सुरंग जो हो वो बहुत लंबी होती है उस टाइम। ठीक है, इसके लिए कई प्रणालियाँ होती हैं जैसे ब्लोइंग और प्लेनम प्रोसेस, एक्सॉस्टिंग या फिर वैक्यूम प्रेशर, ठीक, प्रोसेस और कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लोइंग एंड एग्जॉस्टिंग प्रोसेस, ठीक, जिसको बोलते हैं हम बलात संवातन प्रणाली, वायु निष्कासन या निर्वात प्रणाली और संयुक्त ब्लोइंग तथा वायु निकासन प्रणाली। इसका हम लिख देते हैं मैकेनिकल का तीन प्रोसेस हैं, कौन कौन से, एक तो है ब्लोइंग और प्लेनम प्रोसेस, ब्लोइंग और प्लेनम प्रोसेस जिसको हम ब्लोइंग या बलात प्रणाली बोल सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि एग्जॉस्टिंग और वैक्यूम प्रोसेस, एग्जॉस्टिंग और
वैक्यूम प्रोसेस, ये क्या होता है? वायु निष्कासन या निर्वात प्रणाली। और थर्ड हमारा होता है दोनों का कॉम्बिनेशन, थर्ड जो हमारा होता है दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लोइंग एंड एग्जॉस्टिंग प्रोसेस। हिंदी आप दोनों को कॉमन कंबाइन करके लिख दीजिए, ठीक है। ये तीन प्रोसेस होते हैं किसके, मैकेनिकल वेंटिलेशन के तीन प्रोसेस होते हैं, ठीक है। ब्लोइंग या फिर ब्लास्ट में क्या करता है, इस व्यवस्था में दूषित वायु स्वयं सुरंग से बाहर निकल जाती है, एक पाइप द्वारा स्वच्छ वायु बोलेरो की सहायता, ठीक है। एक बोलेरो आता है, उसी बोलेरो की सहायता बोलेरो चला देते, एक तरफ से चलाएंगे, दूसरी तरफ से क्या होगी गैसें बाहर निकल जाएगी, जो भी हमारा हानिकारक गैसें रहेंगी वो एक तरफ से ब्लोअर चलाने के बाद दूसरी तरफ से गैसें बाहर निकल जाती हैं। ये हमारा क्या, ब्लोइंग, जिसको हम बलात् प्रणाली बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जॉस्टिंग, मतलब वायु निष्कासन या फिर निर्वात प्रणाली। ये क्या होता है कि इस प्रणाली में वायु निष्कासन, मतलब कि वैक्यूम लगाकर एक डक्ट का दूषित वायु वह धूलों को बाहर खींच देते हैं। वैक्यूम क्या होता है, आप वैक्यूम प्रेशर जानते होंगे, वैक्यूम प्रेशर जैसे क्या होता है कि अगर आप विदेशों में देखें तो वैक्यूम प्रेशर वैक्यूम क्लीनर द्वारा ठीक क्या करते हैं, घरों की सफाई करते हैं, वैक्यूम क्लीनर द्वारा क्या करते हैं, घरों की सफाई करते हैं। तो वैसे क्या होता है, वैक्यूम एक तरफ से लगाएंगे वैक्यूम क्लीनर, और उससे क्या करते हैं पूरी हवा को जो दूषित हवा उसको क्या करेंगे खींच लेंगे। तो इस तरह से क्या करते हैं हम वैक्यूम कर सकते हैं। और थर्ड क्या है कि कम्बिनेशन दोनों का, ब्लोइंग एक तरफ से ब्लोअर चलाएंगे जो बोलेरो हो, एक तरफ से बोलेरो चलाएंगे, दूसरी तरफ से क्या करेंगे वैक्यूम लगा देंगे, वायु निष्कासन लगा देंगे, एक तरफ चलाएंगे इधर से हवा जाएगी और इधर से क्या करेगा ये एब्जॉर्व कर लेगा, ठीक है। ये क्या करेगा एब्जॉर्व, इधर से हवा जाएगी और ये इधर से दूसरी हवा को एब्जॉर्व कर लेगा, ठीक है। तो ये क्या हमारा दोनों का कॉम्बिनेशन प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इक्विपमेंट्स फॉर वेंटिलेशन, ठीक है। इसकी जरूरत हमको नहीं है, डक्ट कंट्रोल इंटरनल ये सब की जरूरत हमको नहीं होती है, ठीक है। अब बात करते हैं लाइटनिंग, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो क्या होता है, लाइटनिंग। अब सुरंग में पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था ना हो तो बहुत सी प्रक्रियाएं हैं जो सही प्रकार से नहीं की जा सकती हैं, ठीक है। कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है, जैसे क्या होता है कि प्रकाश की तीव्रता सुरंग कार के अनुरूप होनी चाहिए, कौन कौन संबंधित बातें हैं ये आप रखिए। टाइप्स ऑफ लाइट यूज इन टनल, इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। बाकी तो आप पढ़ सकते हैं कि लाइटिंग क्यों की जाती है, इसकी इसको आप लिख सकते हैं कौन कौन से लाइट यूज किए जाते हैं, ठीक है, टनल में। टाइप्स ऑफ लाइट यूज इन टनल, कौन कौन से लाइट यूज किए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लालटेन। आप आई होप कि जानते होंगे कि लालटेन क्या होता है, ठीक है। क्या लालटेन, अगर जो भी गांव में रहते होंगे, ठीक है, वो अच्छे से जानते होंगे लालटेन, ठीक है, लालटेन होता है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या, कोयला गैस प्रकाश व्यवस्था, मतलब कोल गैस लाइटिंग। थर्ड की अगर बात करते हैं तो थर्ड क्या हो जाता है हमारा, एसिटिलीन गैस लाइटिंग। और अगर फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं तो फोर्थ क्या आ जाता है इसमें तो इलेक्ट्रिक लाइटिंग। क्या इलेक्ट्रिक जो आजकल यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक लाइटिंग ये सब पहले यूज किया जाता है, लेकिन अब हाल में ये यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक लाइटिंग, जो कि हमारा वायर द्वारा ट्रांसफार्मर द्वारा जोड़ दिया जाता है और लाइटें प्रॉपर वे से चलती रहती है, ठीक है।
एक हमारा इलेक्ट्रिक लाइटिंग हो गया, ये हमारे क्या हो गया, लाइटिंग हो गए। हमने क्या पढ़ा, ड्रेनेज पढ़ा, वेंटिलेशन पढ़ा, फिर लाइटिंग पढ़ लिया। और ये चैप्टर यहीं पे क्या होता है, क्लोज होता है। अब क्या आपको पूरा समझ गया होगा किस तरह से हमको ड्रेनेज करना होता है, क्या क्या हम करते हैं ड्रेनेज के लिए, फिर क्या करते हैं वेंटिलेशन के लिए, क्या क्या करते हैं, कौन कौन से मेथड्स यूज करते हैं, फिर लाइटिंग के लिए क्या कौन से हम लाइट यूज करते हैं, कौन कौन से, ठीक है। और लाइटिंग क्यों की जाती है, आपको आयोग के पता होगा कि संबंधित कुछ बातें होती है, जैसे क्या प्रकाश की तीव्रता सुरंग के अनुरूप होनी चाहिए, सुरंग जैसा है, जैसे ये नहीं कि सुरंग का जो कलर है, जो सुरंग से को पेंट कर रहे हैं वो लाइट का एब्जॉर्व कर ले, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कि लाइट चारों तरफ फैल जाए, ऐसी उसमें व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है, इस तरह से उसमें कुछ। और प्रकाश के लिए एक से अधिक स्थानों पर व्यवस्था की, एक ही ऐसा नहीं कि एक जगह पर लगा दिए बस हो गया, पूरी टनल में लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, फिर एक जगह पर अधिक मात्रा में रोशनी देने के स्थान पर कुछ कुछ अंतराल पर पूरी टनल में क्या करते हैं हम लाइटिंग की व्यवस्था कर देते हैं, फिर सामग्री और मलबों की ढुलाई के लिए जो कार्ड प्रयोग किए जाते हैं उनमें लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, सुरंग की छतों व दीवारों में बल्ब या अन्य प्रकाश उपकरण लगाया जाता है, ठीक है, लगाया जाना चाहिए, सुरंग के अंदर बिछाई जाने वाली विद्युत तारों को सावधानी पूर्वक बिछाना चाहिए, ऐसा नहीं कि तार खुले हों, तार खुले रहेंगे तो अगर किसी को टच कर गया तो वो लाइट करंट मार देगा और उसको नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल क्या हुआ हमारे, पूरा यहाँ पे आरबीटी खत्म होता है। अब आपको नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है उस पर आप हमको बताइएगा कमेंट करके, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको नेक्स्ट किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, ये चैप्टर यहीं सब्जेक्ट आपका यहीं पे क्लोज होता है, दो सब्जेक्ट आपका सॉयल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग क्लोज हो गया, रेलवे आरबीटी एंड टनल कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब सर्वेइंग आपकी शुरू हो चुकी है, कुछ लेक्चर्स अपलोडेड हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे उसी को। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद, थैंक यू।